Hello and good morning, all of you. Welcome to Alpha S Academy, and we are at the lecture number 7 of the Science and Tech series. Today we shall be studying a very short topic, that is न्यूक्लिक एसिड्स. अब देखो न्यूक्लिक एसिड है क्या. देखो न्यूक्लिक एसिड कुछ नहीं है, ये एक टाइप का आप स्टोरेज मान लो, जहाँ पे कि आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेव होती है. ठीक है, अब वो होती किस में है आपके, वो होती है आपके डीएनए में. ठीक है, वो होती है आपके डीएनए में. बट देन ये डीएनए कहाँ होते हैं, ये डीएनए होते हैं न्यूक्लिक एसिड के अंदर. ठीक है, आपकी सेल हुआ, देखो हम क्या हुआ, बेसिक यूनिट क्या है, सेल है. सेल के अंदर क्या हुआ आपका, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर आप क्या, क्रोमोसोम. ठीक है, न्यूक्लियस जो था उसके अंदर क्रोमोसोम हो गया. क्रोमोसोम एक्स वाई एक्स एक्स ऐसे होते हैं ना, 23 पेयर्स होते हैं हमारे पास. ठीक है, और क्रोमोसोम के अंदर क्या हो गया, डीएनए. ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लिक एसिड. अब देखो ये थोड़ा थोड़ा टेक्निकल है, बट देन ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं. न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, देखो न्यूक्लियोटाइड कुछ नहीं होते हैं. न्यूक्लियोटाइड में कुछ नहीं होता, एक तो फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक पी ग्रुप होता है, एक नाइट्रोजनस उसका बेस होता है. तो बेस कैसा होगा उसका, नाइट्रोजनस एक फॉस्फेट ग्रुप होता है और शुगर, कार्बन शुगर उससे अटैच होती है. ठीक है, अब ये जो शुगर है ये आरएनए में तो राइबोस शुगर होती है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, इतना याद रखना है. ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, वैसे तो याद रखने की जरूरत नहीं है. नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस में आपने एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया और एक कार्बन शुगर जोड़ दी. ठीक है, और ये शुगर आरएनए में क्या हो जाएगी, राइबोस शुगर हो जाएगी, और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर हो जाएगी. ऐसे ही एक न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ बेस और शुगर होता है, बेस नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर, इसमें आप फॉस्फेट ग्रुप नहीं लेंगे. तो अगर बेस प्लस शुगर है तो वो आपका बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड, और अगर बेस शुगर प्लस फॉस्फेट है तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, अब ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं, एक्चुअली यही सब, ये न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं यही सब मिलके बनाते हैं, दैट इज हमारा जीन. जीन क्या होता है भाई, जीन हमारे एक टाइप की इनहेरिटेंस यूनिट है या हेरिडिटरी यूनिट है, जहां पे कि भाई मेरी एक नाक या मेरी नाक मेरे पापा की तरह दिखती है, मेरे कान मेरी मम्मी की तरह दिखते हैं, मेरी आंखें मेरे नाना जी की तरह दिखती हैं, मेरे बाल मेरे दादाजी की तरह दिखते हैं. तो ये सब क्या है, ये हेरिडिटरी चला आ रहा है ना, उनसे ही तो आया. अब जब उनसे आया तो कैसे आया, थ्रू जीन के थ्रू. अब ये जो जीन होगा ये होता है आपका क्रोमोजोम्स में. क्रोमोजोम्स कहाँ होते हैं, क्रोमोजोम्स जब भैया सेल डिवाइड होता है, आपको हम बता चुके हैं, तभी वो क्रोमोजोम्स दिखते हैं. ठीक है, अब बात करें कि आरएनए और डीएनए. ठीक है, देखो आरएनए डीएनए क्या होता है, ये कुछ नहीं है, ये बायोमोलिक्यूल्स हैं. ठीक है, आपका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, आपका जो न्यूक्लियस है वो क्रोमोसोम से बना हुआ है, और उसके अंदर क्रोमोसोम्स के अलावा बायोमोलिक्यूल्स हैं. ठीक है, क्रोमोसोम्स के अंदर भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, और इन्हीं बायो मॉलिक्यूल्स को हम लोग न्यूक्लिक एसिड्स भी बोलते हैं. ठीक है, और इनमें से दो मॉलिक्यूल कौन से हैं आपके, डीएनए और आरएनए. ठीक है, डीएनए में आपको बताया शुगर, बस शुगर का डिफरेंस है इसमें भाई. डीएनए में डी यहाँ पीछे देखेंगे ना भाई, डीएनए में कौन सी लग रही थी, डी ऑक्सी राइबोस शुगर. आरएनए में कौन सी लग रही थी, राइबोस शुगर. ठीक है, अब क्या होता है कि देर इज समथिंग कॉल्ड एज न्यूक्लियो बेसिस. पांच होते हैं हमारे पास, एक होता है साइटोसिन, एक होता है ग्वानिन, एक होता है एडिनाइन, एक होता है यूरासिल, एक होती है थाइमिन. ये पांच है हमारे पास न्यूक्लियो बेसिस. अब इसमें से तीन तीन तो डीएनए में और आरएनए में कौन कौन कॉमन है, वो कौन कौन से हैं, एक आपका साइटोसिन, ठीक है, दोनों में है, एक आपका ग्वानिन दोनों में है, एक आपका एडिनाइन दोनों में है, बस ए टी जी सी एंड ए टी यूसी. ठीक है, यू कहाँ आ जाएगा, आरएनए में यूरासिल आ जाता है और डीएनए में थाइमिन आ जाता है. ठीक है, डीएनए में ए टी जी सी टी, आरएनए में ए यू जी सी यू, यूरासिल, यू स्टैंड फॉर यूरासिल. ये तो है इसका स्ट्रक्चरल डिफरेंस. अब इनके जब क्योंकि स्ट्रक्चर में डिफरेंस है तो काम में भी डिफरेंस होगा. ठीक है, अब काम में क्या डिफरेंस है भाई, देखो जो डीएनए होता है, डीएनए तो हो गया आपका कि भैया इसके अंदर तो होगी जेनेटिक इंफॉर्मेशन. अब एक आपको मजे की बात बताऊं मैं, कि आपका जो डीएनए होता है वो तो होता है न्यूक्लियस के अंदर, ये आपका सेल है, सेल में आपको माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म ये सब भी होता है,
बट देन जो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जहाँ मैनिफेस्ट होती है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वो होता है साइटोप्लाज्म में। अब ये न्यूक्लियस के अंदर तो आपका डीएनए हो गया, डीएनए क्या कर रहा है आपका, डीएनए ने आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर कर रखी है, लेकिन उसको मैनिफेस्ट भी तो करना है, उसे आगे भी तो भेजना है, कि वो उसे समझाना भी तो है कि भैया आगे कौन सी भेजनी है कौन सी नहीं भेजनी है। तो वो कैसे भेजेंगे, उसका काम करते हैं आरएनए। आरएनए जो है एक टाइप का आपका, एक पर्टिकुलर टाइप का आरएनए होता है, उसे एमआरएनए बोलते हैं, है ना। अभी जब वैक्सीन्स चली थी उसको, उस टाइम सुना होगा आपने एमआरएनए, तो एमआरएनए स्टैंड्स फॉर मैसेंजर आरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए। तीन टाइप के होते हैं, अभी बस दोनों में पढ़ाता हूँ आपको, तीन टाइप के आरएनए कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एक वो ले लेते हैं, तो हमने क्या पढ़ा, आरएनए और डीएनए। पर डीएनए कहाँ होगा आपका, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। आपका आरएनए कहाँ आ गया, आरएनए आ गया आपका साइटोप्लाज्म, मतलब आरएनए टाइप का मैसेंजर। तीन टाइप के आरएनए होते हैं, ठीक है। तीन टाइप के आरएनए कौन कौन से होते हैं आपके, एक तो होता है आपका एमआरएनए, ठीक है, एक होता है आपका एमआरएनए, दूसरा होता है आपका आरआरएनए, ठीक है, एक होता है आपका टीआरएनए, ठीक है। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर, आर स्टैंड्स फॉर राइबोस, और एम स्टैंड्स फॉर मैसेंजर, ठीक है। अभी मैसेंजर आरएनए ही क्या करता है कि न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जो साइट है उस तक जो है बात पहुंचाता है, कि भैया आपको जो है जेनेटिक मैसेज पहुंचाता है, कि भैया ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ये आप आगे मैनिफेस्ट कर दो या आगे भेज दो, ठीक है। ये काम है मैसेंजर आरएनए का। ऐसे ही ट्रांसफर या टीआरएनए का क्या काम है, कि वो जो अमाइनो एसिड्स हैं उसको साइटोप्लाज्म से प्रोटीन सिंथेसिस की साइट तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया बाहर, ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका साइटोप्लाज्म। मान लिया ये कोई साइट है जहाँ पे कि प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन का मैन्युफैक्चर होना है, ठीक है। अच्छा, बॉडी को प्रोटीन नहीं पता होता, प्रोटीन को, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसी से सेल बनता है, ठीक है। मतलब सेल तो बहुत सारी चीज़ों से बनता है, बट वो भी एक पार्ट है, ठीक है। तो ये बात यहाँ तक पहुँचाते हैं कि भैया यहाँ जो है प्रोटीन सिंथेसिस करो, ये काम किसका है आपका, टीआरएनए का, ठीक है। आरआरएनए क्या करता है, इट प्रोटीन के साथ साथ राइबोसोम्स भी बनाता है ये, ठीक है। आरआरएनए जो है प्रोटीन के साथ साथ आपका राइबोसोम्स भी बनाता है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट मैंने आपको ज़्यादा पढ़ा दिया, इतना ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है भाई, बेसिक सा डिफरेंस याद रख लीजिएगा, ठीक है, बेसिक सा डिफरेंस याद रखिएगा और मजे लीजिएगा इसका। बस स्ट्रक्चर डिफरेंस याद रख लीजिए, न्यूक्लियोबेसिस क्या है वो याद रख लीजिए। तीन टाइप के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, आरएनए, टीआरएनए। एमआरएनए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैसेज पहुंचाता है। आरआरएनए मैसेज तो पहुंचाता भी है, बट आपका वहां तक भी जाता है जहाँ राइबोसोम्स आपके बनने होते हैं, उस तक भी मैसेज पहुंचाता है। और टीआरएनए आपको पता ही है कि जहां पे अमीनो एसिड्स बनने होते हैं वहां पर तक बात आपकी पहुंचाता है। तो बात, आरएनए का काम है बेसिकली बात पहुंचाना, और डीएनए का काम है कि उसको जेनेटिक इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखनी है, ठीक है। तो डीएनए में क्या होता है आपका, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, और आरएनए में क्या होता है कि ट्रांसफर होता है, ठीक है। और ये डीएनए वगैरह बनने किससे होते हैं, पॉलीपेप्टाइड से बने होते हैं, पेप्टाइड चेंज होती हैं आपस में। अब मजे की बात ये है कि डीएनए तो आपका न्यूक्लियस में, बट ये पॉलीपेप्टाइड चेंज जो होती हैं जिसमें कि मैनिफेस्टेशन होता है किसका, आपकी जेनेटिक मटेरियल का, वो साइटोप्लाज्म में होता है, और आरएनए जो है वहां तक बात पहुंचाता है, ठीक है। इतनी सिंपल सी बात है। अब अगर मैं बात करूं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, भाई डीएनए प्रिंटिंग, भाई आपको पता है कि हर किसी के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, इसलिए जो आपका आधार कार्ड बनाया गया तो उसमें आपके फिंगरप्रिंट लिए गए, आई स्कैन लिया गया, ठीक है। ऐसे क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंट, भाई डीएनए किससे बना होगा आपका, देखिए यहाँ पे डीएनए का किससे बना होगा आपका, ए टी जी सी से, तो कुछ ऐसे बना होगा ए टी 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 जी सी 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 ए टी टी जी सी सी सी, ऐसे बहुत बड़ी चेन होती है,
अब ये जो चेन होती है, अब भैया ऐसा तो है नहीं कि किसी बंदे का हो सकता है ये वाला पार्ट सेम हो, फिर ये अलग हो, फिर ये सेम हो, फिर ये अलग हो। तो हर एक बंदे का या हर इंसान का इस धरती पे अलग डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है? और ये किससे निकाला जाता है? डीएनए सीक्वेंसिंग एक मेथड होता है, उससे निकाला जाता है। आपने डीएनए, आपने किसी भी व्यक्ति का डीएनए मैप कर लिया, अब आपको वो कुछ भी आपको मिल जाए, जहां पर उसका डीएनए मिल जाए, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये बंदा है। उस डीएनए का कोई और बंदा नहीं होगा, अभी तक तो ऐसा पाया नहीं गया। किस किस काम आ सकता है? आप क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल की पैटर्निटी पे को डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है? जैसे एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे एक स्टेट के, तो उनके एक लड़का आ गया था, उन्होंने कहा था कि ये मेरे पिताजी हैं। पहले तो वो मना करते थे, पर उन्होंने, उसने बोला, जैसे ही बोला कि मैं कोर्ट चले जाऊंगा डीएनए टेस्ट करवाऊंगा, तो उन्होंने मान लिया, एकदम तुरंत मान लिया कि हाँ ये मेरा बेटा है, ठीक है? तो इस टाइप के जो पैटर्नल डिस्प्यूट होते हैं उसमें काम आ सकता है, ठीक है? डेड बॉडीज मिलती है कई सारी, तो उसमें काम आ सकता है, ठीक है? तो ये थी बात डीएनए आरएनए की, और है डीएनए फिंगरप्रिंट की। अब ये सब बात हम कर रहे हैं, अब हमने डीएनए आरएनए सेल वेल की बात कर दी। अब ये सेल ऐसा तो है नहीं कि, अब क्योंकि हमारी बॉडी तो भैया एक टाइप की मशीन है, मशीन है तो बॉडी में कुछ ना कुछ बनते रहेगा। अब बनते रहेगा तो सेल भी जो है वो बनेगा और मरेगा भी। अब ये सेल बना और मर गया, अब जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो कहाँ है? वो सेल के अंदर है, उस न्यूक्लियस के अंदर है, उस क्रोमो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स है उसके अंदर है। मान लिया सेल मर गया तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी मर जाएगी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि भैया वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है, जब क्योंकि सेल तो पैदा हुआ, सेल बना, फिर वो डिवाइड हुआ और वो जाके एक जाके फिर वो मर गया, ठीक है? या सेल डिवाइड हुआ, कुछ सेल मर गए, कुछ सेल जीवित रहे। तो हमें, हमारी बॉडी देखो कितनी अच्छी है कि हमारी बॉडी ऐसे सेल बनाती है। मान ले एक सेल है, उसका डिवीजन स्टार्ट हुआ, वो उसको ऐसे डिवाइड करती है कि जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो इंटैक्ट रहे, ठीक है? वो खराब ना हो, और उसके लिए मैकेनिज्म्स हैं। तो कुछ देखो, जब सेल डिवाइड होता है, सेल की एक साइकिल होती है, जब सेल डिवाइड होता है तो सेल की सबसे बड़ी जो, सबसे पहली जो दो फेज होते हैं उसमें, एक तो हो गया आपका इंटरफेज, ठीक है? एक होता है आपका एम फेज, ठीक है? दो फेज होते हैं, एक हो गया आपका इंटरफेज, एक हो गया आपका एम फेज। अभी एम फेज क्या होता है भैया? एम स्टैंड्स फॉर माइटोसिस और मायोसिस, मियोसिस, ठीक है? अब बॉडी को कैसे पता लगेगा कि मायोसिस करना है या मिटोसिस करना है? अभी बताते हैं 2 मिनट बाद, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंस भी बताएंगे। पहले समझ लेते हैं कि सेल डिवाइड कैसे होता है। तो पहले आपका स्टार्ट होगा भैया इंटरफेस। इंटरफेस में सबसे पहले क्या होगा? जीवन होगा। जीवन में क्या होगा कि डुप्लीकेशन होगा। अब अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ कि 24 घंटे में एक सेल की लाइफ होती है और 24 घंटे में उसको डिवाइड होना है, तो एक्चुअल जो डिवीजन है, जो माइटोसिस में होगा, वो आपका सिर्फ 1 ही घंटे में होता है। बाकी 23 घंटे जो है, लगभग लगभग 90% जो टाइम है, इंटरफेस चल रहा होता है। इंटरफेस में क्या हुआ? पहले डिवाइड हो गया, ठीक है? फिर आपका एस फेज आया, ठीक है? एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज, या एस सिंथेसिस फेज बोलते हैं इसको, ठीक है? इसमें क्या हुआ कि सारे, भाई पहले आपका स्टार्ट हुआ ड्यूप्लीकेट होना, इसमें क्या हुआ कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं हमारे अंदर, ठीक है? अब 23 क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम आपके बन गए। फिर आपका G2 होगा, G2 में क्या होगा कि आपका G2 क्या टाइप का डबल चेक है कि भैया चेक कर लेते हैं कि कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन रह तो नहीं गई, या कोई एरर तो नहीं है। उसने कहा ठीक है, पास कर दिया उसने कि एरर नहीं है, G2 में आप पास हो गए। अब आपका एक्चुअल में सेल डिवीजन टेक प्लेस करेगा, और वो किस में करेगा? माइटोसिस में, ठीक है? अब माइटोसिस और मियोसिस में क्या फर्क होता है, बस अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है? देखो माइटोसिस होता क्या है कि माइटोसिस एक तो सिर्फ किसी भी सेल में हो सकता है, किसी भी सेल में हो सकता है, इट कैन हैपन इन एनी सेल, ठीक है? ये उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। बट देन किससे स्टार्ट होता है माइटोसिस फेज? कैरियोकिनेसिस से स्टार्ट होता है, कैरियोकाइनेसिस। और खत्म किससे होता है? खत्म किस पे होता है? साइटोकाइनेसिस से, है ना? पीछे देखोगे अगर आप, ठीक है? ये जो साइटोकाइनेसिस फेज जो है, यहाँ पे जो है सेल डिवीजन खत्म हो जाता है पूरा, मतलब बन के तैयार हो जाता है नया। अब इसके, बस इसका ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं, बस इसके वो देख लो आप कि इसके अंदर तो कौन कौन से फेजेस होते हैं। एक आपको प्रो फेज, देन प्रो मेटा फेज, एक मेटा फेज, एक एना फेज, देन टीलो फेज एंड साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस से खत्म हो जाता है, कैरियोकिनेसिस से ये स्टार्ट होता है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? बेसिकली माइटोसिस में होता क्या है, माइटोसिस में जो सेल है, वो दो डॉटर सेल में
टूट जाता है, जो सेल है वो दो डॉटर सेल में टूट जाता है, ठीक है, टू न्यू डॉटर सेल्स आर फॉर्म, ठीक है। ये है बात माइटोसिस की। अच्छा ये डाइप्लॉइड्स, अच्छा एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा देते हैं, देखो एक होता है आपका हैप्लॉइड सेल, एक हो गया आपका डाइप्लॉइड सेल। देखो हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड में क्या फर्क होता है, कि हैप्लॉइड होता है सिंगल सेट, ठीक है, अगर मैं एक्स 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 ऐसे ले रहा हूँ ना, 23 क्रोमोसोम ले रहा हूँ, तो ये हो गया हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब सिंगल सिंगल सेट ऑफ सेल्स, सिंगल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, सॉरी, ठीक है। डाइप्लॉइड कैसा दिखता है, ऐसे कुछ एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, या आपका ऐसे हो जाएगा वो एक्स 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 एक्स, ठीक है। तो डाइप्लॉइड में क्या हो गया, दो क्रोमोसोम, ठीक है। अब जो माइटोसिस होता है वो मैक्सिमम डाइप्लॉइड सेल्स में होता है, बहुत ही कम कुछ इंसेक्ट्स हैं और कुछ प्लांट्स हैं जहां पे कि आपका हैप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस हो जाता है, ठीक है। अच्छा माइटोसिस जो है सेल रिपेयर के में भी काम आता है, ठीक है, ये इसका एडेड बेनिफिट मान लो। देन अब बात करते हैं मियोसिस की। देखो मियोसिस कुछ नहीं है, मियोसिस एक ऐसे टाइप का डिवीजन है जहां पे कि सीधा जो क्रोमोसोम का नंबर है आपका हाफ हो जाएगा, ठीक है भाई। माइटोसिस को नहीं पता कितने क्रोमोसोम है, अब क्योंकि ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है, तो मायोसिस क्या करेगा, उसको सीधा हाफ कर देगा, 23 कर देगा, मतलब वो हैप्लॉइड रहेगा, ठीक है, मतलब वो क्या बनाएगा आपका हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। तो आपकी माइटोसिस में क्या बने, डाइप्लॉइड, मियोसिस में क्या बने आपके, हैप्लॉइड, ठीक है, वहां पे आपका डाइप्लॉइड बन रहा था, ठीक है, क्योंकि और हमारे अंदर डाइप्लॉइड ही होते हैं, क्योंकि हम एक जैसे हम ह्यूमंस हैं तो हम क्या करते हैं, एक जीन एक आप क्रोमोसोम फादर से लेते हैं, एक मदर से लेते हैं, अगर ये मदर हैं तो मदर की मदर मतलब फीमेल हैं, तो इनके अंदर तो सिर्फ एक्स होता है, फादर जो है उनके अंदर एक्स होता है या वाई होता है, अगर एक्स और एक्स आके जुड़े तो मतलब फीमेल होंगे, अगर एक्स और वाई आके जुड़े तो मतलब मेल होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, डाइप्लॉइड है। अगर ये एक्स सिर्फ एक्स एक्स सिंगल एक्स लूंगा मैं, या सिंगल वाई वाई लूंगा, ये हो जाएगा आपका हैप्लॉइड सेल, ठीक है। अच्छा दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, बेसिकली दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस ये है कि एक तो आपका जो इधर माइटोसिस लिख लेते हैं, इधर मियोसिस लिख लेते हैं, देखो माइटोसिस में एक तो दो डाइप्लॉइड सेल्स बनते हैं आपके, ठीक है, और इसमें आप देख रहे हैं कि चार सेल्स बनेंगे, ठीक है, सर हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, ठीक है। माइटोसिस जो होता है वो किसी भी सेल में हो सकता है, ठीक है, एनी सेल, चाहे वो स्किन सेल हो, चाहे आपका नर्व सेल हो, वो किसी में भी हो सकता है, लेकिन मियोसिस जो होता है वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। जब हम देखो आपके सेल्स हैं, अगर रिप्रोडक्टिव सेल्स का डिवीजन हो रहा है तो उसको बोल देंगे मियोसिस, अगर उसके अलावा किसी और सेल का डिवीजन हो रहा है तो उसको बोल देंगे माइटोसिस। अब आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या हो गए, स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। अब इसका भी ये जब बनते हैं इनका भी एक प्रोसेस होता है, जैसे ओवम जब बनता है उसको ओजेनेसिस बोलते हैं, स्पर्म जब बनता है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। अच्छा मियोसिस जो है आप यहां पे देख रहे होंगे, ये टू स्टेप डिवीजन होता है इसमें, ये स्टेप वन और ये स्टेप टू, माइटोसिस में सिर्फ सिंगल स्टेप होता है, सिंगल स्टेप डिवीजन होती है, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो क्या है, माइटोसिस किसी भी सेल में हो सकता है, मियोसिस सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन कौन से होते हैं हमारे, स्पर्म्स एंड ओवम। मियोसिस क्या होता है आपका, टू स्टेप डिवीजन है, मियोसिस क्या आपका, माइटोसिस क्या आपका, सिंगल स्टेप डिवीजन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट कोई भी डाउट हो आप लिख सकते हैं, आपको दोबारा समझाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इंजॉय करें अपनी लाइफ को, एंड आई शेल सी यू टुमारो, एंड आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी डे, एंड टेक केयर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, एंड यू नो प्लेलिस्ट नेम फॉर ऑन चैनल फॉर दिस पर्टिकुलर फाउंडेशन कोर्सेज, साइंस एंड टेक फाउंडेशन, एंड ऑलरेडी वी हैव डन पेपर फोर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, फुल कोर्स इज लाइव नाउ, यू कैन गो एंड यू नो कम्प्लीट योर सिलेबस, अल्फा एस अकेडमी इज दी ओनली कोचिंग इन इंडिया जहाँ तक हमें पता है, ठीक है, टू प्रोवाइड यू दी फ्री फाउंडेशन कोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।